हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली जो है वो इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कमीशन करने जा रहे हैं। सो जो ये बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, ये इंडिया की जो है वो वन ऑफ द महारत्ना कंपनीज NTPC, उसने जो है वो इसको पूरा फाइनलाइज किया है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होने वाला है। ये तेलंगाना के रामागुंडम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनाया गया है और ये इस साल जो है वो मई के महीने में जो है वो कमीशन हो जाएगा। और ये वन ऑफ द सोलर पावर प्लांट है जो कि NTPC ने जो है वो बनाया है विद द कैपेसिटी ऑफ 217 मेगावाट। थोड़ा NTPC के बारे में देख लेते हैं कि NTPC क्या है। सो जो NTPC है वो एक सेंट्रल PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कैंग्लोमेरेटा है। कैंग्लोमेरेटा बेसिकली ये होती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं उन्होंने जो है वो एक कंपनी में जो है वो शेयर खरीदे होते हैं और इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। और ये जो फॉर्म की गई थी ये वे बैक 1975 में जो है वो इसको बनाया गया था पावर डेवलपमेंट के लिए इंडिया में। और इसके जो एम है वो इसके एम बेसिकली ये है कि जो ये रिलायबल पावर जो है वो बनाए, उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो होनी चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो उसमें काम करे, और साथ में जो है वो इनोवेशन और नई नई टेक्निक्स को जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर में जो है वो उसको लाए। और ये इंडिया के वन ऑफ द महारत्नास में आती है और इसको महारत्ना का टाइटल जो है वो 2010 में मिला था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके जो ओनर है PSU है, तो ऑनर इसके जो है वो गवर्नमेंट है, यानी कि PSU के मुकाबले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें जो है वो 51% जो है वो इसमें शेयर है। तो हम बात करते हैं अब इसके थोड़े और फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है और ये फ्लोटिंग जो प्रोजेक्ट है ये 450 acres में जो है वो फैला हुआ है और इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 430 crores में आती है। और अगर अदर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स की बात करें, इंडिया के वन ऑफ द मेजर सोलर पावर प्लांट्स, तो जिसमें जो है वो विशाखापट्टनम का सोलर फुल पावर प्लांट आता है फ्लोटिंग, और दूसरा यहाँ पे जो प्लांट आता है वो आता है केरला का स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड द्वारा बनाया गया बनासुरा सागर डैम पे जो है वो बनाया गया है। और वैसा ही एक फ्लोटिंग पावर प्लांट है जो UP में भी जो है वो बनाया गया है। हम बात करें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के सिग्निफिकेंस फीचर्स के बारे में, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो लैंड्स होती हैं उसके जो कॉस्ट होती है या उसकी जो कह लीजिए आप उसकी अवेलेबिलिटी होती है, उसके कंसर्न्स के कारण जो है वो जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो काफ़ी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है वो माना जाता है। और साथ ही साथ में जो ये फ्लोटिंग पावर प्लांट है ये किसी भी जो है वो डैम्स में, लेक्स में या सिमिलर वाटर बॉडीज में जो कि इसको जो है वो इसके लिए रिलायबल होती हैं उन पे जो है ये फॉर्म किया जाता है। अब सब जानते ही हैं कि जो आने वाला जो फ्यूचर है वो इको फ्रेंडली नेचर फ्रेंडली जो है वो पावर सेक्टर पे जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा, तो उसके मुकाबले जो है वो सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है हमारी पावर कैपेसिटी को, हमारे जो है वो पावर नीड्स को जो है वो पूरा करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि एशिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ सोलर पावर मार्केट है और साथ में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट भी है वैसे भी। और इसमें जो है वो दो नाम बड़े सामने आते हैं, एक तो चाइना और दूसरा जापान। चाइना और जापान जो है वो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्रोडक्ट्स के। और बाकी हम अगर यहाँ पे सम ऑफ द फैक्ट्स की बात करें सोलर पावर प्लांट्स के बारे में, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि जो तेलंगाना में जो मई में
जो कमीशन होगा सोलर पावर प्लांट वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो फ्लोटिंग पावर प्लांट होगा। बट रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक अनाउंसमेंट की है, उन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा वो जो एमपी में होगा, और वो एमपी में कहाँ होगा, वो होगा नर्मदा रिवर पे। और ये नर्मदा रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है ओमकारेश्वर डैम, उस पे जो है वो इसको इंस्टॉल किया जाएगा। और इसको जो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि ये जो 2022 या 2023 के बीच बीच जो है इसको जो है वो ऑपरेशन में लाया जाएगा। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बदला सोलर पार्क है उसने जो है वो ये क्लेम किया है कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है पूरे वर्ल्ड में। बदला विलेज में जो है वो ये सिचुएटेड है, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये स्पैन है पूरे 14,000 एकड़स में। और साथ में इसका जो कैपेसिटी है पावर जनरेटिंग 2,250 मेगावाट्स है। सो ऐसे भी जो ऐसे स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और साथ में जो हमारी पावर की नीड्स हैं उसको जो है वो पूरा करने के लिए। वैसे भी जो है वो इंडिया ही जो है वो वन ऑफ द की फाउंडर है सोलर वर्ल्ड सोलर अलायंस में, और ये जो वर्ल्ड सोलर अलायंस है उसी की दिशा में जो है वो ये एक कह सकते हैं कि एक मेजर स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। See you in the next video. Till then, thank you.